हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म आर्टिकल 15 के ट्रेलर के बारे में, जिसे लेकर आप लोगों ने मुझसे काफी बार कमेंट कर ये कहा कि मैं इस ट्रेलर का रिव्यू करूं या फिर ब्रेकडाउन। वेल, ब्रेकडाउन करने जैसा कुछ भी नहीं है इस ट्रेलर में, क्योंकि जो स्टोरी हमें फिल्म में दिखाई जाने वाली है, तो हर बार की तरह बॉलीवुड की फिल्मों के ट्रेलर के साथ जो होता है, वही चीज हमें इस ट्रेलर में भी नजर आती है। जैसे कि फिल्म की पूरी के पूरी स्टोरी एक्चुअल में क्या है, किस टॉपिक पर बेस है और फिल्म में क्या होगा, वो सभी डिटेल हमें इस ट्रेलर में मिल गई। बस रह गया तो फिल्म का एंड का ट्विस्ट, कि एक्चुअल में फिल्म के एंड में क्या होगा, कि क्या उन लड़कियों को इंसाफ मिलेगा भी या नहीं, या फिर आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर आदित्य कहीं गुम हो जाएगा या फिर वो इस माहौल से पीछे हट जाएगा क्योंकि सिस्टम उसे इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन फिर भी जिस तरीके का अंदाज हमें आदित्य का कैरेक्टर का इस फिल्म में नजर आ रहा है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि वो अपने मकसद से पीछे हटने वाला है नहीं और वो इंसाफ के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। खैर, तो आपने देखा इस वीडियो के स्टार्ट में ही सारी की सारी बातें क्लियर हो गई कि एक्चुअल में इस फिल्म की स्टोरी है क्या और हमें क्या देखने मिलने वाला है इस फिल्म में। तो फिर चलिए अभी टॉपिक को छोड़कर आते हैं कुछ और मुद्दों पर, क्योंकि बॉलीवुड में सिर्फ यही एक फिल्म नहीं है जो इस टॉपिक पर बनी है। ऐसी टॉपिक पर बॉलीवुड में काफी सारी फिल्में बनी है, तो कौन सी है वो फिल्में जो इस फिल्म के टॉपिक से काफी मिलती जुलती है और उन सब के मुकाबले में ये फिल्म हमें क्या अलग देगी, उस पर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि इस ट्रेलर को लेकर सभी की राय काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि हमारे इंडिया में काफी लोग अब इस फिल्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि ऐसी ही कंटेंट की फिल्में आज की तारीख में बॉलीवुड में लोग देखना चाहते हैं। लेकिन फिल्मों को सही ढंग से प्रमोट और प्रेजेंट कर लोगों के सामने रखना चाहिए, ना कि ट्रेलर में दिखाए गए कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन्हें देखकर कुछ लोग भड़के और कुछ लोग नहीं। जी हां, अगर देखा जाए तो फिल्म की स्टोरी काफी सिंपल है, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर अभिनव सिन्हा फिल्म के ट्रेलर को कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं, जिस वजह से ट्रेलर कुछ लोगों को पसंद आ रहा है और कुछ लोगों को नहीं, क्योंकि कुछ लोग इस ट्रेलर को भी देखकर धर्म की बातें करना शुरू कर चुके हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिल्म में धर्म को नहीं बल्कि जातिवाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो कि मैंने स्टार्ट में कहा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लेकिन सही ढंग से अगर इसे प्रेजेंट किया जाए तो होगा ये कि सभी लोगों को ये ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन अब अभिनव सिन्हा को कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने की आदत है, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रोवर्सीज करेंगे नहीं तो फिल्में उनकी बॉक्स ऑफिस पर चलने वाली है नहीं। जी हां, इसके पहले उन्होंने फिल्म बनाई थी मुल्क, जो फिल्म बहुत ही अच्छी थी, बट उस फिल्म का जिस तरीके से प्रमोशन किया था फिल्म के डायरेक्टर ने, वो प्रमोशन बहुत ही चीप और घटिया था। वेल, मुझे लगता है अगर डायरेक्टर को अपने प्रोजेक्ट पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है तो उसे ईमानदारी से अपनी फिल्म लोगों के सामने रखकर प्रमोट करनी चाहिए, और अगर फिल्म का प्रोजेक्ट सच में काफी ज्यादा अच्छा होगा तो डेफिनेटली लोग उस फिल्म को देखने जाएंगे ही। लेकिन आर्टिकल 15 के केस में भी हमें कुछ उस तरीके की ही चीजें देखने मिल रही है। पहले फिल्म का टीजर, उसके बाद एक छोटी सी क्लिप टीजर की अनाउंसमेंट करती हुई, जिसमें हमें आयुष्मान खुराना औकात के नाम पर बस भड़काते हुए ही नजर आते है। उसके बाद पोस्टर और ट्रेलर में जबरदस्ती का भगवा रंग, वेल, ये शो करता है कि फिल्म की पब्लिसिटी किस तरीके से फिल्म के डायरेक्टर कर रहे हैं और क्या प्रेजेंट करने वाले हैं वो हमें फिल्म में। क्योंकि अभिनव सिन्हा की मुल्क फिल्म के पहले वो फिल्में कुछ इस तरीके की बनाते थे जो फिल्में होती थी खोदा पहाड़ और निकला चूहा। जी हाँ, उनके करियर में मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कभी भी कोई अच्छी फिल्में बनाई थी, उन्होंने बस अपनी पहले की फिल्मों से लोगों को बेवकूफ बनाया है। फिल्में जैसी कि 10, कैश, तुम बिन, शुक्रिया, तथास्तु और जिद, ये सारी की सारी फिल्में अभिनव सिन्हा की ही देन है, जिन्हें देखकर हम एक बात दावे के साथ कह सकते थे उस वक्त कि अभिनव सिन्हा अच्छी फिल्में दूर दूर तक नहीं बनाते हैं। लेकिन अब उनके हाथों में कॉन्ट्रोवर्सीज टॉपिक लगे हैं, जिसकी शुरुआत 2018 मुल्क फिल्म से की गई, और अब मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्ट्रोवर्सी टॉपिक्स पर फिल्में बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि इससे उनका नाम भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा बॉलीवुड में और उनकी एक पहचान भी बन जाएगी कि अभिनव सिन्हा कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक पर फिल्में काफी ज्यादा अच्छी बनाते हैं। लेकिन फिल्म को प्रमोट बहुत ही बेकार तरीके से करते हैं, ये बात तो लिख कर लेनी होगी। और अब उसके बाद बात करें आयुष्मान खुराना की, तो आयुष्मान खुराना आज की तारीख में एक ऐसे एक्टर है जो फिल्म में काफी सोच समझ कर रहे हैं, और यही बात उनकी काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर वो बॉलीवुड में ऐसे ही अलग अलग कंटेंट पर काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली बॉलीवुड में हमें एक अच्छा कंटेंट उनके नाम से ही देखने मिलेगा। जैसे कि पिछले कुछ साल उन्होंने काफी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है, फिल्में जैसी कि अंधाधुन, बधाई हो, रिकी डोनर, दम लगाकर हर्षा, शुभ मंगल सावधान, ये सारी फिल्में उनके करियर की काफी अलग डिसेंट फिल्में हैं। लेकिन हाँ, उनके करियर में कुछ बेकार फिल्में भी आती है, जैसे कि हवाई ज्यादा, मेरी प्यारी बिंदु, बेवकूफियां और नौटंकी साला। लेकिन अब जिस तरीके से आयुष्मान खुराना फिल्में चुन रहे हैं, उससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि आयुष्मान खुराना अब आगे भी ऐसी ही फिल्मों के प्रोजेक्ट चुनते रहेंगे। और अब आते हैं इस जातिवाद के टॉपिक पर, कि ये फिल्म बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म है नहीं जो कि लोग इस फिल्म को आगे आकर इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, बॉलीवुड में पहले ऐसी कई सारी फिल्में बनी है जिन्हें उस टाइम पर उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर लोग बॉलीवुड की बेकार फिल्में देखना ही पसंद करते थे, और ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्में उस टाइम के
लोगों को ज्यादातर तो समझ नहीं आती थी या फिर वो लोग ऐसी फिल्मों से काफी ज्यादा दूर रहते थे। और अब जबकि आज की ऑडियंस काफी ज्यादा स्मार्ट हो गई है और फिल्में काफी सोच समझ कर देखती है, तो मुझे लगता है उस टाइम की जो फिल्में एक क्लासिक कल्ट मानी जाती है जो लोगों ने उस टाइम पर नहीं देखा, तो मुझे लगता है आज की तारीख में उन्हें ऐसी ही टॉपिक पर बनी हुई फिल्में देखनी चाहिए। फिर मैं आपको यहाँ पर उन फिल्मों के नाम बता देता हूँ जिनमें खास करके तीन फिल्म मेरी बहुत ही ज्यादा पसंदीदा है। एक है सबसे पहली गोविंद निलानी की फिल्म आक्रोश, जो आई थी 1980s में। ये फिल्म भी कुछ ऐसे ही मुद्दों को छूती हुई नजर आती है हमें और बहुत ही खूबसूरती से अपनी स्टोरी कहकर चली जाती है। उसके बाद दूसरी फिल्म है शेखर कपूर की बैंडेड क्वीन। ये फिल्म आई थी 1994 में और लोगों ने उस टाइम पर इस फिल्म को क्यों देखा था और किस लिए देखा था ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उस टाइम की सोच लोगों की किस तरीके की थी ये बात आप सभी को पता होगी। यानी लोगों ने उस टाइम पर बैंडेड क्वीन फिल्म में कंटेंट नहीं बल्कि कुछ और ही देखा था। और तीसरी और आखिरी फिल्म है मेरी आक्रोश, जिसे बनाया था प्रियदर्शन ने और ये फिल्म आई थी 2010 में। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन मुझे लगता है जिस हिसाब से इस फिल्म में सिस्टम की ढच्चियां उड़ाई गई है वैसा सिस्टम आज भी छोटे छोटे गाँव में होता है जिनकी खबर हमें कानों का नहीं पहुंचती। और ऐसी फिल्मों के कंटेंट से बॉलीवुड भरा पड़ा है जिन्हें पहले 80s और 90s के टाइम पर बनाकर लोगों ने बॉलीवुड की पहचान एक अलग ही लेवल पर रखी थी, लेकिन अफसोस आज की जनरेशन उन सभी फिल्मों की कदर नहीं करती और वो भागती रहती है बस बेकार सी फिल्मों को देखने के लिए। वेल, अब आ जाते हैं फिल्म के ट्रेलर पर। ये ट्रेलर को देखकर फिल्म का डायरेक्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है, बस एक लव का एंगल है जो ऐसी फिल्मों को सूट नहीं करता। यहाँ तक कि इस फिल्म में लव सॉन्ग भी होने नहीं चाहिए वरना फिल्म हमें एक तरीके से बोर होती हुई नजर आएगी, जिस पर मुझे लगता है फिल्म के डायरेक्टर को काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अब जाते जाते एक आखिरी बात उन लोगों के लिए जो लोग यूट्यूब पर बैठकर फालतू बातें करते हैं। जी हाँ, कुछ चैनल्स ऐसे भी है जो फिल्मों के ट्रेलर या फिर फिल्मों को पॉलिटिक वेव में ले जाते हैं और धर्म और रिलीजन की बात करते हैं। इनसे होता ये है कि हमारे इंडिया में बेवकूफों की कमी है नहीं, जिसके बाद वो लोग बॉलीवुड की फिल्मों को भी उन्हीं एंगल से देखना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। यानी फिल्म को फिल्म की जगह पर रखो और धर्म रिलीजन और पॉलिटिक्स को उनकी जगह पर। इन सभी चीजों को बार बार दोहरा कर कोई मतलब बनता है नहीं। और अब पता है काफी लोग कमेंट में ये कहेंगे कि बॉलीवुड वाले भी पीछे नहीं हटते हैं इन सभी टॉपिक्स पर फिल्म बनाने के लिए और लोगों को भड़काने के लिए। वेल, इस बारे में मैं एक ही बात कहूंगा कि सबका नजरिया एक जैसा होता नहीं है और अगर आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है ये बात आप सभी को पता है। इसलिए जो अगर बॉलीवुड में ऐसी फिल्म बनाता है और फिल्म देखने से हमें खराब लगती है तो उन फिल्मों को एक ही चीज करनी चाहिए जो की है अवॉइड। इससे ना तो फिल्म लोगों की ज्यादातर तो नजर में जाएगी और ना ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई करेगी, क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ लोग ऐसे भी है जैसे कि मीडिया और कुछ बेवकूफ लोग जो ऐसी फिल्मों को लेकर एक बड़ा बवाल बनाते हैं और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी खासी कमाई करके निकल जाती है। और आज की तारीख में अब यूट्यूब पर भी काफी लोग ऐसे भी आ गए हैं जो लोग बॉलीवुड पर बनी कॉन्ट्रोवर्सीज फिल्मों पर काफी ज्यादातर तो बात करते हैं, इससे लोगों में उस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा अवेयरनेस फैलती है। वेल, ये आज की तारीख का टाइम है और आज की तारीख में लोग किस तरीके से फिल्म को देखकर बिहेव करते हैं ये बात अब आप सभी को पता है। खैर, तब मुझे लगता है मैंने इस टॉपिक पर काफी लंबी बहस छेड़ दी जिसकी वजह से ये वीडियो भी काफी ज्यादा लंबा हो गया। तो जितना मैसेज मुझे आपको देना था मुझे लगता है मैंने वो प्रॉपर तरीके से दिया है, इसलिए बस अब इस वीडियो में इतना ही। तो अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।